हाय गाइस, दिस इज लर्न विद लकी चैनल एंड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि नागरिक साथ से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1947। गाइस का राइट आंसर है 26 नवंबर सन 1949। कुछ पॉइंट्स दिए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रवृत्ति संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को पारित हुआ और 26 जनवरी 1985 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सन 1946, यहाँ 46 है, सन 1946 की अंतरिम सरकार कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं गाइस, ए सर क्लाउड ऑचनलेक, बी सी एच बाबा, सी सी आज गोपालाचारी, एंड डी जवाहरलाल नेहरू। गाइस का राइट आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर सन 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मामले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे और प्रसारण मंत्री आसफ अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ए 40,000, बी 60,000, सी 80,000 या डी 1,20,000। पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई आंसर नहीं है गाइस, एबीसीडी में से। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। वर्तमान में 22 भाग, 450 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान लिखा गया था ए 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में, डी 2 वर्षों में। गाइस का राइट आंसर है ए 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। पॉइंट रिलेटेड है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण में रुपए 63,96,729 का खर्चा हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है एक संघीय, एकात्मक, संसदीय, डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो इसका गाइस राइट आंसर है डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान को विधान रूप से संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान वह जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित रहती हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वे
कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों, न कि एक दूसरे के विरोधी। ठीक है, प्रोफेसर के व्यूअर के मतानुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के मतानुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। क्वेश्चन वाइज 6, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ये ऑप्शंस दिए हैं गाइस, ये क्रॉस है ना, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ए क्रॉस की जगह ए होगा। ए, यह एक लिखित संविधान है। बी, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। सी, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र की शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के रूप के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। इन चारों में से डी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। पॉइंट दिए हुए हैं, भारत के संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का काम केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल सांसदों व विधायक के परामर्श से संशोधन नहीं किया जा सकता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ए, नेहरू। बी, गांधी। सी, जेपी नारायण। डी, एमएन रॉय। ठीक है, तो इसका गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी, एमएन रॉय। पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एमएन रॉय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार निश्चित आश्वासन नहीं की बात कही। फिर आया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं ए, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। बी, बी पट्टाभी सीतारमैया। सी, एच सी मुखर्जी। डी, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर है सी, एच सी मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष थे। वह मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल भी थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। बी पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे और के एम मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किस संघ को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? ए, 29 अक्टूबर 1949। बी, 22 दिसंबर 1949।
सी 26 नवंबर 1949 या डी 3 जनवरी 1950। तो गाइस इसका राइट आंसर है 26 नवंबर सन 1949। पॉइंट्स दिए हैं, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 15, डी 17। तो गाइस का राइट आंसर है सी 15। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारतीय सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है गाइस, 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए इस वीडियो में, और क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।